स्वतंत्र भारत के 17वें आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा के 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे और पूर्णिया में दूसरे चरण यानी 18 अप्रैल को चुनाव होगा। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान पूर्णिया के डीएम प्रदीप कुमार झा ने दी और बताया कि नामांकन प्रक्रिया 19 मार्च से शुरू होगी और अंतिम तिथि 26 मार्च तक रखी गई है। 10 मार्च 2019 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के लिए चुनाव कार्यक्रम की विधिवत घोषणा कर दी गई है। पूर्णिया जिला में द्वितीय चरण में मतदान होना है, जिसका की कार्यक्रम निम्न प्रकार है। अधिसूचना जारी होने की तिथि एवं नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि है 19 मार्च 2019। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि है 26 मार्च 2019। स्क्रूटनी की तिथि समीक्षा की तिथि है 27 मार्च 2019। नाम वापसी की तिथि है 29 मार्च 2019। मतदान की तिथि है 18 अप्रैल 2019। मतगणना की तिथि है 23 मई 2019, वह तिथि जिसके पूर्व चुनाव संपन्न होना है 27 मई 2019। उक्त घोषणा के बाद संपूर्ण देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसका अनुपालन सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ सभी सरकारी अर्ध सरकारी कर्मियों को भी किया जाना है। इसके पश्चात कोई भी कर्मी पदाधिकारी किसी दल विशेष या अभ्यर्थी के बारे में अतिशयोक्ति गुणगान या निंदा नहीं करेंगे, ना ही उनके सभा सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लेंगे। सभी दलों अभ्यर्थियों के साथ निष्पक्ष एवं सामान्य आचरण रखेंगे। आदर्श आचार संहिता के लागू होने के साथ ही संपूर्ण जिला से राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, दीवार लेखन को संबंधित दलों के द्वारा हटाया जाना है। 24 घंटे के अंदर नहीं हटाए जाने पर एनसीसी का उल्लंघन माना जाएगा, जिस पर की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आप सबों को यह भी बता दूं, इस संबंध में कल संध्या काल में ही हम लोगों ने प्रेस नोट के बाद में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर ली थी और उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता के संबंध में सभी जानकारी दे दी गई थी उनको, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि उनके तरफ से इसमें पूरा सहयोग दिया जाएगा और ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जिससे कि उल्लंघन माना जाए। संध्या काल से ही हम लोगों ने 144 भी लागू कर दिया है, जिसमें कि डूज एंड डोंट्स को बहुत ही स्पष्ट तरीके से उसमें उल्लेखित कर दिया गया है। आप सभी अवगत हैं उसके बारे में। आज आप लोगों ने मीडिया कवरेज में भी उसके बारे में भी लोगों को भी सूचित किया है। जिले के बारे में अब आपको बता दूं, पूर्णिया जिला में कुल 2057 मतदान केंद्र हैं, जो कि 7 विधानसभा क्षेत्र में हैं। इन 7 विधानसभा क्षेत्र में से अमौर और बायसी किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में चले जाएंगे और कोढ़ा, जो कि कटिहार जिले में पड़ता है, कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र, वो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में आ जाएगा। तो आज की तिथि में पूर्णिया जिला में कुल 20,61,958 मतदाता हैं, जिसमें से कि पुरुष मतदाता की संख्या है 10,73,985, महिला मतदाताओं की संख्या है 9,87,905 और थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या है 68। कुल सर्विस वोटर्स की संख्या 927 है। चुनाव के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर 29 कोषांग बनाए गए हैं। विधि व्यवस्था एवं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए उड़नदस्ता के लिए कुल अभी 45 दलों का गठन किया गया है और स्टैटिक निगरानी दल भी 23 की संख्या में बनाए गए हैं। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, व्यय अनुश्रवण के लिए व्यय अनुश्रवण कोषांग के साथ साथ 7 सहायक व्यय प्रेक्षक भी बनाए गए हैं। जिला के सभी सीमा पर स्थायी निगरानी चौकी को बनाया जा रहा है। चुनाव कार्य के लिए जिला में कुल 16,995 कर्मियों को चिन्हित किया गया है और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडीज, जो हमारे दिव्यांग मतदाता है, उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने जिला स्तर पे और सभी विधानसभा स्तर पर भी एक एक नोडल पदाधिकारी को चिन्हित किया है, ताकि कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो हमारा इस बार का स्लोगन है, जो हमारा मोटो है, उसमें हम वहाँ जो वोटिंग का जो एक्सपीरियंस है, मतदान का एक्सपीरियंस है, उसको सुविधाजनक बनाए। हर मतदान केंद्र पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी की भी बात की जा रही है। एक मतदान केंद्र पर किन किन चीजों
की व्यवस्था होनी चाहिए, इसको लेकर के चुनाव आयोग के द्वारा कंटिन्यूस मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हमारे तरफ से भी चाहे वो रैप हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, शौचालय की व्यवस्था हो, मतदान की केंद्र, मतदान के दिन में वहां पर जो वेटिंग शेड है, इन सबों की व्यवस्था की जाएगी, उसको लेकर के भी हम लोग गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और तकरीबन सभी कार्यों को पूरा कर भी लिया गया है। स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल के चयन की प्रक्रिया भी चल रही है और 1 से 2 दिन में उसको भी चिन्हित करते हुए हम लोग राज्य निर्वाचन कार्यालय में इसकी अनुमति और उसके सहमति के लिए अपना जो हमारा प्रपोजल है उसको भी हम भेज देंगे। आप सभी अवगत हैं कि जब आदर्श आचार संहिता फोर्स में आ जाता है तो उसके लिए डूज एंड डोंट्स की लिस्ट होती है, क्या करें और क्या ना करें, उसको लेकर के भी हमने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके कल भी और उसके पूर्व में भी उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी थी। आज प्रेस ब्रीफिंग के बाद में हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के हमारे जितने भी अधिकारी हैं जिला स्तर से लेकर के अनुमंडल एवं प्रखंड और अंचल तक के हमारे जितने भी थाना प्रभारीगण हैं सभी के साथ भी हम लोग आज 12 बजे से बैठक कर रहे हैं, जिसमें कि उनको भी हम लोग फिर से सभी गाइडलाइंस के बारे में अच्छे से उनको जानकारी देंगे। पूर्व से भी हम करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पूर्व से ही तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। जिले में 182 हम लोगों ने सेक्टर ऑफिसर्स को चिन्हित किया है, उनकी ट्रेनिंग भी की जा चुकी है, जो कि चुनाव वाले दिन जोनल मजिस्ट्रेट्स का भी कार्य करेंगे। उसको लेकर के हर जो संबंधित थाना है उसके साथ उनको टैग कर दिया गया है और वल्नरेबिलिटी मैपिंग उसमें उनके द्वारा अहम भूमिका निभाई जाएगी। इस बार ईवीएम में हर मतदान, हर कैंडिडेट जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उसमें उनका चित्र भी लगेगा, उनका फोटोग्राफ भी उसमें रहेगा। हर मतदान केंद्र पर इस बार ईवीएम में बीयूसीओ के साथ में आप सभी अवगत हैं कि वीवीपैट वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल की भी व्यवस्था की जा रही है और इस संबंध में इसकी जानकारी देने के लिए सभी प्रखंड में हम लोगों ने जागरूकता बहुत पहले से चलाया हुआ है। हम लोग पंचायतों में जाकर के लोगों के बीच में उन मशीन्स को ले जा रहे हैं और उसमें उनको उसकी जानकारी दे रहे हैं। यहाँ भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जो हमारा कंट्रोल रूम है उसमें अवेयरनेस को लेकर के पिछले करीब 3 महीने से हम लोगों ने उस मशीन को रखा हुआ है। डिप्लॉयमेंट के संबंध में जैसा कि डीएम साहब के द्वारा भी बताया गया, वल्नरेबिलिटी मैपिंग वगैरह की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें अभी कैंडिडेट्स जब फाइनल हो जाता है तो उसके बाद कैंडिडेट्स का वरी लिस्ट भी प्राप्त होता है, उस वरी लिस्ट के आधार पर सेंसिटिविटी का आकलन जितने भी पोलिंग बूथ से उनका किया जाता है, तो वो प्रक्रिया अधीन है। अभी जैसे वरी लिस्ट वगैरह हमें कैंडिडेट्स का मिल जाता है तो उसको भी हम लोग अपने जो फोर्सेस का असेसमेंट करना है उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि किसी प्रकार का कहीं भी किसी पोलिंग स्टेशन से कोई दिक्कत ना हो। वो भी वरी लिस्ट के लिए हम लोग सभी कैंडिडेट्स के टच में हैं, जो भी कैंडिडेट्स डिक्लेयर होंगे और जो भी फाइनल हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोग उस वरी लिस्ट को पाते हुए अपना फोर्स असेसमेंट फाइनलाइज करेंगे। अभी टेंटेटिव किया गया है जो कि पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर ही है और फाइनलाइज उसको उसी के बाद किया है। आदर्श आचार संहिता को इन्फोर्स करने के लिए अलग से कोई नियम या कानून नहीं है, पूर्व से भी जितने भी नियम कानून है प्रावधान है वो लागू होते हैं। मैं भी साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट भी फंक्शनल हो गया है, जो उसमें इकोनॉमिक ऑफेंसेज यूनिट और पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा जो कर्मी उपलब्ध कराए गए थे वो 7 कर्मी यहाँ पे 24 घंटे कार्यरत हैं। हम लोग इस तरह से निरंतर सोशल मीडिया पे भी निगरानी रखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को कंप्लेंट्स भी प्राप्त हुए हैं, उस पर त्वरित कार्रवाई भी की गई है। तो आगे भी चुनाव को लेकर के जैसा कि डीएम साहब के द्वारा बताया गया कि जो जनरल गाइडलाइंस हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी वही गाइडलाइंस अप्लाई करते हैं, उसका अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से करता है हाँ तो उसके लिए आईटी एक्ट के रेलेवेंट सेक्शन है, आईपीसी के रेलेवेंट सेक्शन हैं और इलेक्शन रिलेटेड लॉज के रेलेवेंट सेक्शन हैं। उसके मॉनिटरिंग के लिए सोशल मीडिया की हमारी जो यूनिट है साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट वो कार्यरत है।